फॉलो विदित है कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के लोगों की अवधारणा क्या थी, कहीं बीमारू राज्य के रूप में इसकी पहचान थी या कानून व्यवस्था फैले और राज्य के रूप में इसकी स्थापना थी। उन चीजों का परिणाम ये था कि चाहे विदेश में रहने वाले हमारे अप्रवासी भारतीय हों, पूंजी निवेशक हों, औद्योगिक घराने हों या अन्य कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले लोग हों जो अपना हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की ओर झांकना नहीं चाहते थे। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक वातावरण पूरे देश में इन्वेस्टर का लिए बना, आकर्षक स्थान बना। विदेश की धरती पर रहने वाले अपने चाहे अप्रवासी भारतीय हों या औद्योगिक घराने हों, उन्होंने देश में इन्वेस्ट करने का मन बनाया, लेकिन उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्य की ओर तो आकर्षित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की दशा देख करके इधर बीमारू राज्य के रूप में या अन्य छड़ खराब होने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उनका निवेश के लिए आकर्षण नहीं हो सका। बधाई देना चाहते हैं आदरणीय योगी जी को, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और अन्य तमाम कार्य पद्धतियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति की स्थापना हुई, प्रदेश में विकास का पहिया आगे बढ़ा, दंगा मुक्त प्रदेश बना, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य स्थापित हुआ, निवेशक आज जो देश में विदेश में रहने वाले चाहे प्रवासी भारतीय हो या विदेशी कंपनियां या विदेशी औद्योगिक घराने हो, आज जब हिंदुस्तान में अपना इन्वेस्ट करने के लिए मन बना रहे हैं तो उसमें प्रथम पसंद उनकी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रेस वार्ता करके तमाम मुद्दों बात करी है, क्या कुछ चर्चा करी? देखिए, आज हम लोगों को खुशी इस बात की है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 में सरकार बनने के बाद दूसरी बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश के बाद उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो प्रदेश की सरकार रखा है, वो लक्ष्य की पूर्ति में आज जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हो रहा है, बड़ी सफलता के साथ हम विदेश की धरती पे विभिन्न मंत्री समूह गए, वहाँ की बात हो या आदरणीय योगी जी मुंबई में गए या आज कलकत्ता में अन्य माननीय मंत्री लोग गए हुए हैं, बड़ा आकर्षण है लोगों में उत्तर प्रदेश में आने के लिए, चाहे उद्योगपति हों, निवेशक हों, NRI हों, उन सबका एक इंटरेस्ट है कि वो उत्तर प्रदेश में विकास के लिए अपना योगदान कर सकें। इसके लिए हम बधाई श्री देते हैं, क्योंकि योगी जी के सतत प्रयास से जीरो टॉलरेंस की नीति जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, उसी का परिणाम है कि एक बीमारू राज्य से उभर करके ग्रोथ इंजन हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए सुखद क्षण है कि आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों से बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में होगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि पर्यटक के लिए उत्तर प्रदेश एक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने जा रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।